इम्प्लिसिट फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, आप यदि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पेशल हो गया, आप कितना ही इसको कोशिश करें लेकिन आंसर ये नहीं आने का है। और जब आपको शो दैट दिया जाता है तो बहुत ही फिर आपकी मर्जी नहीं चलती है, फिर आपको एग्जामिनर की मर्जी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए स्पेशल सवाल है ये, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। अब आप देखते जाइए, वी हैव एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको उधर भेज दीजिए जीरो पे उस साइड। स्टेप सेकंड, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए आप, ये हो गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 हो गया, 1 प्लस वाई हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया, इसको आप इधर बुला लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और पहले बुला लेते हैं फिर इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करिए, इसको खोल दीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स, इसको और इसको ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर एक्स इजिकल टू जीरो इजिकल टू जीरो। अब देखिए आप दो जोड़े बना लीजिए, इसमें आप ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो गया x प्लस वाई और ये हो गया x माइनस वाई। यहां पर देखिए x y कॉमन है, यहां पे x y कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दोनों में x माइनस वाई कॉमन आ गया और ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां तक की कैलकुलेशन आपको समझ आ गई है। अब देखिए आप आइदर x माइनस जीरो, आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये इस फिल्म में नहीं है, x इज इक्वल टू वाई अपने पास है ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए, और इन केस अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं तो आपका आपका जीरो आ जाएगा dy बाय डीएक्स। तो हमारा ये तो आने से रहा, तो अब आप सेकंड लेते हैं, हमारे पास में है और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करिए आप, y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस और x को उधर भेज दीजिए तो माइनस एक्स उधर चले गए। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष। अब आप देखिए dy वाई बाय डी एक्स, ये हो गया u और ये हो गया v, तो u का डिफरेंशिएशन माइनस इस साइड है ही आपके पास में, u का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे वाले की मल्टीप्लाई माइनस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 होगा और नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब आप देखिए 1 ब्रैकेट चलने दीजिए, 1 ओपन कर देते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए एक्स एक्स कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्पेशल सवाल, और ये इसका बहुत स्पेशल स्टेप, आप ध्यान से करेंगे इसको, बहुत इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है, बेहद स्पेशल और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन और स्पेशल क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए अब आप, बेहद इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है ये। अभी आप देखिए, सबसे पहले आप इसको उधर भेज दीजिए तो आपके पास में हो गया cos y अपॉन cos a प्लस y इज इक्वल टू x। स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें x
इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई कैसे आएगा। तो आप जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और वो भी बहुत स्पेशल यूं है क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हियर द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहां पर ये स्टार है, आप देख लीजिए ये स्टार स्टेप है। केवल मात्र एक क्वेश्चन है जो वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आपके पास में हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अब आप देख लीजिए, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, वाई के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो इट इज साइन वाई और माइनस आएगा, क्लियर, को है क्योंकि, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई, तो कॉस ए प्लस वाई माइनस रूल का आ जाएगा। यहां पे माइनस रूल का ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो कि है साइन ए प्लस वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन वन होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये को आ गया है, को के कारण माइनस माइनस प्लस। अब आप देखिए ये हो गया साइन वाई माइनस का कॉस ए प्लस वाई और प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप यहां पर देखिए ये हो गया साइन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इट इज साइन, ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्लियर। तो इट इज ए प्लस वाई, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, तो ए प्लस वाई माइनस इट इज ए और इट इज बी। अब आप देखिए y से y कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास में cos स्क्वायर a प्लस वाई चल ही रहा है। अब आप देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई आपके पास में कंप्लीट आ गया है, साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये आपका आंसर तैयार है। डी एक्स अपॉन डी वाई स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पहली बार हमने ये, देखिए आपका क्वेश्चन यहां पे तैयार है। अब आप इसे शीर्षासन करा दीजिए तो आपका हैंस प्रूफ जो है ये यहां पर आ जाएगा, यानी अब आप इसका इनवर्स कर दीजिए। तो इस तरह से ये स्पेशल सवाल मैंने आपको कराया, तो आप इसको बड़े ध्यान से इसको करेंगे, ये इसकी ट्रिक है करने की, आप इसे अच्छी तरह समझ। मैं एक क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का जरूर करा दूंगा आपको, जिससे कंटिन्यूटी में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए जरा, यहाँ ये इस तरह से डिफाइंड है, fx is equal to k cos x pi minus 2x define at x is not equal to pi by 2 and x is equal to pi by 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, और क्या दिया हुआ है x is equal to pi by 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको फाइंड k यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट इफ fx continues at x is equal to pi by 2 then LHL is equal to RHL is equal to f pi by 2। तो यहां पर देखिए f pi by 2 पे हमें सीधा दिया हुआ है वैल्यू 3 है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप LHL निकाल लीजिए या RHL, दोनों में से आपको ये ऑप्शन है आपके पास में, चाहे RHL निकाल लीजिए चाहे LHL, वैल्यू आपकी पाई बाय टू के बराबर ही होगी f पाई बाय टू के, ठीक है। तो मैं RHL निकाल देता हूं, LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट x tends to pi by 2 plus pi by 2 से ज्यादा पे कहां है, यही pi by 2 कम पे भी यही है और ज्यादा पे भी यही है, तो k cos x upon pi minus 2x function ज्यादा पर defined pi by 2 is here, okay। now put x is equal to pi by 2 plus h where h tends to 0, अब आप रख दीजिए तो लिमिट चेंज हो गई, लिमिट h tends to 0 हो गई, k cos pi by 2 plus h upon pi
माइनस टू पाई बाई टू प्लस एच। ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां पर देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है और चेंज हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, तो लिमिट के लिमिट से अनइफेक्टेड है, तो के को तो भारी लिख दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया कॉस की जगह ये हो गया साइन, इट इज थीटा, इट इज साइन एच, और वो भी माइनस का। और अब आप नीचे देख लीजिए, पाई माइनस टू, ब्रैकेट खोलते जा रहे हैं, टू पाई और माइनस टू एक्स, टू एच, एक्स तो हो गया था एच में कन्वर्ट, तो टू एच, तो ये अब आप देखिए टू से यहां से कट गया था टू और पाई बाय टू, ठीक है, तो पाई माइनस पाई और माइनस टू एच, तो पाई से पाई कट गया, आपके पास में माइनस टू एच आ गया है। अब आप देखिए ये हो गया के बाय टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या होता है, वन होता है। तो ये हो गया, पूरी वैल्यू वन हो गई मिला के, और के बाय टू आ गया आपके पास में। के बाय टू, नाउ के बाय टू किसके बराबर होगा, इट इज थ्री के बराबर होगा, तो k बाय टू इज इक्वल टू थ्री फ्रॉम स्टार, इसको स्टार दे दीजिए, फ्रॉम स्टार, तो k इज इक्वल टू आपके पास सिक्स आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप इसे कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं ये वाला क्वेश्चन।